प्रश्नावली 4.1 हम लोग करने जा रहे हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो इसमें है सभी n बिलोंग टू n, कैपिटल n यानी प्राकृतिक संख्या के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 + 3 + 3² + (3)^(n-1) = (3)^(n-1/2। ये हमको सिद्ध करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में हम लोग पहले जो कथन दिया रहता है, हम लोग पहले क्या करते हैं, n = 1 के लिए देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है, और फिर हम लोग मानते हैं कि n = k के लिए ये कथन सत्य है, और उसका उपयोग करके हम लोग n = k+1 के लिए सिद्ध करते हैं कि ये कथन सत्य है। तो ये कथन हम लोगों का जो, इसको हम लोग मानते हैं पी एन। तो पी एन हमारा क्या है, 1 + 3 + 3² + (3)^(n-1) = (3)^(n-1/2। n बराबर 1 के लिए P1 हमारा क्या होगा, ये पार्ट ये 1 पे ही जाके खत्म हो जाएगा, और ये पार्ट हमारा क्या होगा n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये 3^(1-1) 0, यानी 3^0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसा हम लोग रखें 3^(1-1), और ये हमारा क्या हो जाएगा 3^(1-1)/2। तो ये हमारा 3^(1-1) यानी 3^0 ये 1 हो गया, और 3^(1-1) ये हो गया क्या, दिस इक्वल टू 2/2 = 1। तो 1 = हमारा क्या आ गया, 1। यानी n = 1 के लिए ये हमारा कथन जो है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में n = 1 रखने पे दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो n = 1 के लिए हमारा क्या हो गया, ये कथन सत्य है। अब अगला स्टेप हम लोगों का क्या होता है, अगला स्टेप होता है हम लोग मानते हैं कि माना n = k के लिए कथन सत्य है। अगला स्टेप हम लोगों का माना n = k के लिए कथन सत्य है, अर्थात हम लोग क्या कह रहे हैं कि P K यानी 1 + 3 + 3² + (n) की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, 3 n की जगह पे k = (3)^(k-1/2), ये हमारा जो है सत्य है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगला स्टेप क्या है, n = k+1 के लिए हमें सिद्ध करना है। अब हमें n = k+1 के लिए सिद्ध करना है कि कथन सत्य है। अच्छा, n = k+1 के लिए कथन हमारा सत्य कब होगा, जब हम लोग क्या सिद्ध करें, यानी इसका मतलब हम लोगों को क्या सिद्ध करना, अर्थात PK+1 यानी 1 + 3 + 3² + ... यहाँ पे n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, K+1, तो 3^(k+1) और 1 - 1 पहले से है = 3^(k+1-1)/2। यानी हम लोगों को जो फाइनली क्या सिद्ध करना है कि PK+1 यानी 1 + 3 + 3² और ये हमारा क्या होगा, 3^(k = 3^(k+1-1)/2। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, क्योंकि हमको जब पता रहेगा कि क्या सिद्ध करना है तो वही हम लोग लाएंगे ना, हमको लाना क्या है ये तो फाइनली पता होना चाहिए क्लियर कट। तो हमको ये दिखाना है कि 1 + 3 + 3² + (3)^(k = 3^(k+1-1)/2, ये हमको लाना है। अब हम लोग समीकरण एक का अगर यूज करें तो हम लोगों को ये तो पता है समीकरण एक हमारा क्या कहता है, 1 + 3 + 3² + (3)^(k-1) = (3)^(k-1/2, समीकरण एक। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 3^k जोड़ देते हैं। तो पहले बराबर था तो 3^k जो है जोड़ने पर भी बराबर रहेगा, तो 3^(k-1) + (3)^(k) = 3^(k-1/2
प्लस थ्री के पावर के, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पक्षों में थ्री के पावर के जोड़ने पर, दोनों पक्षों में थ्री के पावर के जोड़ने पर, क्योंकि हमको लाना क्या था, यहां थ्री के पावर के तक जाना चाहिए, तो ये थ्री के पावर के ये पार्ट तो मिल गया, अब ये पार्ट हमको इस टाइप का बनाना है, तो वन प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट थ्री के पावर के, दिस इक्वल टू, अब हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये थ्री के पावर के माइनस वन प्लस टू इंटू थ्री के पावर के बाई टू, दिस इक्वल टू, ये हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट तो ऐसे रहेगा, लेफ्ट हैंड पार्ट हमारा यही रहेगा थ्री के पावर के इक्वल टू, अब हम लोग थ्री के पावर के यहां से और थ्री के पावर के यहां से कॉमन कर लेते हैं, तो थ्री के पावर के यहां से कॉमन करेंगे तो वन मिलेगा और यहां से मिलेगा प्लस टू, और ये माइनस वन हमारा पहले से है बाई टू, तो दिस इक्वल टू हमारा क्या हो गया थ्री के पावर के इंटू थ्री माइनस वन बाई टू, यानी थ्री के पावर के इंटू थ्री हो गया थ्री के पावर के प्लस वन माइनस वन बाई टू, यानी हम लोगों का वन प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री के पावर के इक्वल टू थ्री के पावर के प्लस वन माइनस वन बाई टू, ये हम लोगों ने सिद्ध कर लिया था। हम लोग क्या कहेंगे के प्लस वन के लिए सत्य है, तो के प्लस वन के लिए सत्य है अर्थात अर्थात n बिलोंग टू n के लिए सत्य है। पहला क्वेश्चन हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सारे जो क्वेश्चन होंगे सब में एक एक ही स्टेप होता है, सेम स्टेप होता है, वही हमको रिपीट करना रहता है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखें क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को सिद्ध करना है गणितीय आगमन सिद्धांत से कि वन क्यूब प्लस टू क्यूब, ये हमारा है वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस एन क्यूब इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये हम लोगों का फार्मूला भी होता है जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, याद भी रखेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के जो घन का योग होता है वो क्या होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अब इसको हमको गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है, तो pn जो स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग pn नाम देते हैं, यानी वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब डॉट डॉट एन क्यूब इक्वल टू, ये क्या बनना चाहिए एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे n बराबर वन रखेंगे, तो P1 हमारा क्या हो जाएगा, ये वन तक जाएगा, तो ये वन क्यूब हो जाएगा। ये देखते हैं क्या हमारा वन इंटू वन प्लस वन बाई टू के होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है। वन क्यूब हमारा क्या हो गया वन, और ये क्या हो गया वन इंटू टू बाई टू, तो टू दो कैम दो, ये हमारा क्या हो गया वन का स्क्वायर वन, यानी एन बराबर वन के लिए हमारा ये क्या है सही है। n बराबर वन के लिए हमारा सत्य है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि n बराबर k के लिए सत्य है। माना n बराबर k के लिए सत्य है अर्थात, इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि अर्थात पी के यानी वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ एन की जगह पे के हम लोग रख दिए, तो के इंटू के प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर एक, ये इसका मतलब कि ये हमारा ये सत्य है। अब हमको क्या सिद्ध करना है, अब हमें एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है कि n बराबर k प्लस वन के लिए ये सही है, अर्थात हमको क्या सिद्ध करना है, अर्थात p k प्लस वन यानी वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस, अब ये कहाँ तक जाएगा k प्लस वन का होल क्यूब तक जाएगा,
दिस इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ के की जगह पर के प्लस वन, तो ये हो गया के प्लस वन, और के प्लस वन यहाँ पे रखेंगे तो एक प्लस वन पहले से है तो के प्लस टू हो जाएगा बाय टू का होल स्क्वायर। ये हमको क्या करना है, ये हमको सिद्ध करना है, ये अगर हमको लाना है, अगर ये आ गया तो हम लोग कहेंगे कि n बराबर k के लिए सत्य है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे इक्वेशन वन है उसका यूज करते हैं, जो हमारा गिवन है यानी जो सॉरी गिवन क्या, हम लोग ये मानते हैं कि ये सत्य है यानी वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस डॉट डॉट, अगर ये k क्यूब है तो दिस इक्वल टू हमारा क्या होगा k k प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर। अब हम लोग दोनों पक्षों में क्या करें, k प्लस वन का होल क्यूब जोड़ दें, क्योंकि ये हमारा बनाने के लिए ये k क्यूब तक गया है और एक पद और बढ़ गया है k प्लस वन का होल क्यूब, तो इसमें अगर हम लोग दोनों पक्षों में k प्लस वन का होल क्यूब जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस k क्यूब प्लस k प्लस वन का होल क्यूब इक्वल टू k k प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस के प्लस वन का होल क्यूब। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में के प्लस वन का होल क्यूब जोड़ने पर, क्योंकि हमको जो लाना है ना वही बनाने के लिए हमको के प्लस वन का होल क्यूब जोड़ना पड़ा कि एक पार्ट तो बन गया, ये पार्ट हो सकता है अभी बने। अच्छा तो ये पार्ट हम लोग वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस के प्लस वन का होल क्यूब दिस इक्वल टू, अब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा क्या है के स्क्वायर इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, के प्लस वन का होल स्क्वायर बाई फोर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस फोर के प्लस वन का होल क्यूब, इसको हम लोग लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो फोर के प्लस वन का होल क्यूब और पूरे का बटा हमारा क्या हो जाएगा 4, ये क्या है होल स्क्वायर है तो के स्क्वायर हो गया, के प्लस वन का होल स्क्वायर, और दो का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो इस 4 से इसमें ऊपर नीचे गुणा किए तो हर बराबर हो गया प्लस 4 इंटू दिस अपान 4। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए के प्लस वन का होल स्क्वायर, के प्लस वन का होल स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन कर लें तो यहां क्या बचेगा के स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा प्लस फोर, और एक बचेगा के प्लस वन अपान पूरे का क्या बचेगा बटा 4। देखिए हम लोग इसमें क्या किया, के प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन कर लिए तो यहाँ के स्क्वायर बचेगा और यहाँ 4 इंटू के प्लस वन क्योंकि पावर 3 है। अब दिस इक्वल टू हमारा हो गया के प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4, ये हमारा क्या लिखा है के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर बाई फोर, और के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर ये हमारा क्या लिखा है के प्लस टू का होल स्क्वायर, क्योंकि के प्लस टू का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो क्या होगा के स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर के, तो ये हमारा क्या हो गया दिस इक्वल टू के प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हमारा था, ये हमारा क्या हो गया के प्लस टू का होल स्क्वायर बाई फोर। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं के प्लस वन इंटू के प्लस टू अपान टू और इस पूरे का होल स्क्वायर, के प्लस वन इंटू के प्लस टू बाई टू का होल स्क्वायर, तो यानी जो हमको लाना था वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस के प्लस वन का होल क्यूब, यहाँ पे के प्लस वन इंटू के प्लस टू बाई टू का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया, अर्थात एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है। तो n बराबर k प्लस वन के लिए सत्य है, सभी n बिलोंग टू n, n बिलोंग टू n के लिए सत्य होगा, ये हमारा प्रूव हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको भी हमको वही सबको गणितीय आगमन का सिद्धांत विकसित रूप करना है। यह हमारा है कि वन प्लस वन प्लस वन अपान वन प्लस टू प्लस
वन अपान वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस इसी पैटर्न से हमारा आगे बढ़ेगा, लास्ट वाला पद होगा इसमें वन प्लस टू प्लस थ्री, ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, प्लस एन तक। इसकी वैल्यू बता रहे हैं, ये प्रूव करना है कि टू एन अपान एन प्लस वन होगी। इसको हमको गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है। तो जो दिया गया जो वो रहता है स्टेटमेंट, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पी एन। तो पी एन हमारा क्या हो गया, जो लिखा है वही, यानी वन प्लस वन अपान वन प्लस टू प्लस वन अपान वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट वन अपान वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट एन इक्वल टू टू एन अपान एन प्लस वन। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि एन बराबर वन के लिए ये सत्य है कि नहीं सत्य। एन बराबर वन के लिए पी पी वन हमारा क्या हो जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, वन तक जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू वन रखेंगे तो हमारा ये मिलेगा वन, और इसमें हम लोग एन की वैल्यू वन रखेंगे तो टू इंटू वन अपान वन प्लस वन। तो ये दोनों वैल्यू हमारी क्या आ गई, बराबर ये टू बाई टू, यानी एन बराबर वन के लिए हमारा ये सत्य है, एन बराबर वन के लिए सत्य है। अब अगला स्टेप हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग मानते हैं कि माना एन बराबर के, एन बराबर के लिए हमारा कथन सत्य है, के लिए दिया गया कथन सत्य है, अर्थात पी के जो हमारा होगा वो क्या होगा, वन प्लस वन अपान वन प्लस टू प्लस वन अपान वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस लास्ट वाला हमारा टर्म क्या होगा, के तक जाएगा, क्योंकि एन की जगह पे हम लोग क्या रख दिए, के। तो ये प्लस के तक जाएगा, और यहाँ पे एन की वैल्यू के, तो टू के अपान के प्लस वन, ये हमारा सत्य है। तो इसको जो है समीकरण नंबर एक हम लोग मान लेते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोगों का क्या होता है, हमें एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य सिद्ध करना है, एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य सिद्ध करना है, सत्य सिद्ध करना है, अर्थात हमको क्या सिद्ध करना है कि ये पी के प्लस वन, यानी वन प्लस वन अपान वन प्लस टू प्लस वन अपान वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस लास्ट वाला टर्म हमारा क्या होगा, अब k प्लस वन तक जाएगा, यहाँ पे n तक जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, k प्लस वन, तो ये वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस k प्लस वन तक जाएगा, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, n की जगह पर k प्लस वन, तो टू इंटू के प्लस वन अपान के प्लस वन प्लस वन, यानी दिस इक्वल टू हमारा हो जाएगा टू इंटू के प्लस वन अपान के प्लस टू, ये हमको सिद्ध करना है, टू इंटू के प्लस वन अपान के प्लस टू, ये हमको सिद्ध करना है दिस, इसकी वैल्यू हमको। अगर ये हमारा सिद्ध हो गया तो समझ लो कि हमारा वो n बराबर सभी प्राकृत संख्या के लिए जो है ये सत्य सिद्ध हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पार्ट लेफ्ट पार्ट लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो हमको सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो ये हमारा है वन प्लस वन अपान वन प्लस टू प्लस वन अपान वन प्लस टू प्लस थ्री वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट के प्लस वन, ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब हमको जो कथन सत्य सिद्ध, जो हम लोग माने हैं कि ये कथन n बराबर के लिए सत्य है, ये हमको बनाना है। तो यहां पे हमारा यहां पे कहां तक गया है, k प्लस वन तक, लेकिन यहां पर क्या है, केवल k तक। तो इसको हम लोग थोड़ा जो है ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। या हम लोग ये जो है, जो हम लोगों ने माना है कि n बराबर k के लिए दिया गया हमारा कथन सिद्ध है, वो लेके हम लोग चलते हैं।
अगर वो लेके हम लोग चलेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, केवल के तक जाएगा, ठीक है। जो हम लोग माने ही n बराबर के लिए सत्य है, तो 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 1 से k तक, दिस इक्वल टू 2k अपान k प्लस 1, ये हम लोग लेके तो चल ही सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों को तो माना ही है कि सत्य है, ये समीकरण एक है। अब हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है कि ये बनाना है, तो इसमें कहाँ तक गया है, एक टर्म केवल एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि n बराबर k और n बराबर k प्लस 1 में केवल एक टर्म एक्स्ट्रा होगा, ये बाकी तो यहाँ तक k तक तो होगा ही, ये वाला टर्म जो होगा हमारा 1 अपान 1 प्लस 3 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1, ये यहाँ पे नहीं है, तो दोनों पक्षों में अगर हम लोग वही टर्म लास्ट वाला जोड़ दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक वाला पार्ट पी के प्लस 1 का लेफ्ट पार्ट बन जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस वन अपान वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, अब ये हमारा वन अपान वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट के तक था, इसमें हम लोग एक टर्म ये जो हमारा है जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में, तो वन प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट ये हमारा क्या हो गया के प्लस वन, और ये हमारा दोनों पक्षों में जोड़ेंगे क्योंकि पहले बराबर था, तो दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तभी हमारा बराबर आएगा, वन अपान वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट के प्लस वन, तो ये हमारा तो लेफ्ट पार्ट जो हो गया जो हमको लाना है यही रह गया, बस हमको राइट पार्ट में सॉल्व करके देखना है, टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट वन अपान वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस के प्लस वन, दिस इक्वल टू, अब हमको इस पार्ट को देखना है, ये हमारा क्या है टू के अपान के प्लस वन, ये टू के अपान के प्लस वन प्लस वन अपान, अच्छा ये हमारा क्या होता है कि प्रथम n जो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है, एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यानी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट n, इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसको हम लोग डायरेक्टली ये फार्मूले के रूप में यूज कर लेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यानी अगर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना हो तो यहाँ पे n की जगह पे 10 रख दीजिए, तो ये हमारा क्या है 1 से लेके k प्लस वन तक, यानी प्रथम k प्लस वन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है ये हमारा, तो प्रथम k प्लस वन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पे n की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा k प्लस वन, तो ये हमारा हो जाएगा k प्लस वन और अगला हो जाएगा k प्लस वन प्लस वन बाई टू, तो दिस इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2k अपान k प्लस वन प्लस 2 अपान 2 ऊपर चला जाएगा k प्लस वन इंटू के प्लस टू, ठीक है। हमको लाना क्या है 2k प्लस वन अपान के प्लस टू लाना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 2k अपान के प्लस वन प्लस टू अपान के प्लस वन इंटू के प्लस टू, ये हमारे पास है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ से 2 अपान के प्लस वन कामन कर लें, 2 अपान के प्लस वन अगर हम लोग कामन करें तो यहाँ हमारा क्या बचेगा केवल के बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 अपान के प्लस टू बचेगा, तो दिस इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 अपान के प्लस वन इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन अपान के प्लस टू, ठीक है। अब ये हमारा हो गया के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, हमारा क्या है के प्लस वन का होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, ये हमारा क्या होगा के प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि के प्लस वन का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो के स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू के प्लस वन का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, ये हमारा टू अपान के प्लस वन पहले से था गुड़े के प्लस वन का होल स्क्वायर बाई के प्लस टू, अब एक के प्लस वन खत्म हो गया, तो यहाँ हमारा बचा क्या टू इंटू के प्लस वन अपान के प्लस टू, यही तो हमको लाना था टू इंटू के प्लस वन अपान के प्लस टू, ये देखिए हमको यही लाना था, तो यह हमारा क्या हो गया कि एन बराबर के प्लस वन के लिए भी
सत्य है, तो n बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है, अर्थात n बिलोंग टू n के लिए सत्य है। तो ये सब में एक ही जो है हमारा तरीका होता है सिद्ध करने का,